राम दर्शन मैं लेकर आया हूँ स्त्री टू, जिसका कि क्या बात करूँ। मूवी के जो लेंथ रहती है वो ड्यूरेशन अच्छा रहता है, दो से टू टेन के समथिंग रहता है। बट मूवी में जो हॉट वॉट और जो सब देखने को मिलता है, बट जो एंगेजमेंट बना के रखते हैं ना, कमाल होता है। मूवी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, बहुत अमेजिंग लगती है। मूवी का जो जो क्राइम है और जो फर्स्ट पार्ट से लेके टू को लेके बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और देन आता है वो पसंद, मैं क्या बताऊँ, सिर कटे का शैतान का खौफ, देन वहाँ पर मार धार बॉर हो रही है। थोड़ा VFX थोड़ा हाई लेवल का था, VFX थोड़ा हाई लेवल का हो सकता था और अच्छा कर सकते थे। बाकी VFX इतना नहीं डालना चाहिए था जितना डाल दिया, इतना मतलब हैवी दैवी हो गया। बट यस, एंगेज करने लायक हर चीज़ कॉन्सेप्ट लगती है, हर चीज़ में मज़ा आता है उसमें। स्त्री वन के बाद स्त्री टू का भी तो मैं कह ही रहा हूँ, प्रेडिक्शन अभी से लगा देता हूँ कि अच्छा खासा टिकट बिके, उसकी अच्छी खासी कमाई तो हो ही गई। बाकी उनने कुछ भी बना दिया हो, नो चांस। बाकी हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं कमी मुझे लगती है, कहीं ना कहीं कमी फील होती है, मुझे समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, इसको और एडवांस क्यों नहीं बनाया और अच्छे तरीके से, जैसे मैं उम्मीद थी ना, वो उम्मीद मुझे मेरी पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे पर खरी नहीं उतरी। बाकी मैं इतना कहूँगा, नॉर्मल ऑडियंस स्त्री वन के बाद टू को देखने के लिए अच्छे खासे दाव लगा रही और देखने के लिए मरी जा रही। मैं अच्छे से हावी से देख, मेरे को पसंद आई, मैं नहीं करूँगा मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद आई ये मूवी। बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी इसमें मुझे देखने, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ इसमें कमी, बट मेरे को मिली है इसमें कमी। क्या मिली है कि उतना अच्छा कोरियोग्राफ नहीं किया गया, सिनेमेटोग्राफ नहीं किया गया, उतना अच्छा काम नहीं लिया गया उन लोगों से, उन ऐसे भी एक्टर्स से जो हाई लेवल का काम दे सकते थे, वो उनसे काम नहीं लिया गया, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं अकड़ती है ये चीज़ें। और बस कहानी ऐसी सिंपली धर दी इनने, यहाँ से वहाँ जोड़ के कुछ भी धर दिया, मतलब ठीक है यार।